वेलकम लव यू, दिस इज जगवीर सिंह, मैं बिजनेस कोच। आज की स्ट्रेटजी कुछ ऐसी है कि आपको कभी भी कस्टमर की कमी नहीं होने वाली, क्योंकि स्ट्रेटजी कुछ ऐसी है। स्ट्रेटजी का नाम है फर्स्ट टाइम शॉपर। फर्स्ट टाइम शॉपर इन द सेंस कि जैसे कि आपकी अगर कोई फिजिकल शॉप है या आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है या आपका कुछ कहीं पर आप सर्विसेज देते हो, कुछ भी देते हो, आपकी कोई आप किसी तरीके की आप सेल्स करते हो, उसमें क्या है कि कोई ना कोई आपको कंज्यूमर चाहिए। तो आप क्या करिए कि फर्स्ट टाइम शॉपर को आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट दीजिए, कि जैसे कि कोई व्यक्ति आपके पास पहली बार लेने आया तो आप उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दीजिए। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के बाद में जब आप वो आपकी सर्विसेज ले लेगा, आपके प्रोडक्ट को ले लेगा या कुछ भी आपका जो एक्सपीरियंस है उसको यूज़ कर लेगा, आपके एक्सपीरियंस के साथ यूज टू हो जाएगा, तो उसको अच्छा लगेगा क्योंकि आपने एक्सपीरियंस बहुत अच्छा दिया, आपने प्रोडक्ट बहुत अच्छा दिया, आपने सर्विसेज बहुत अच्छी दी है। जब उसको अच्छा लगेगा तो वो बार बार आपके पास लेने आता रहेगा, क्योंकि जो चीज़ इंसान को अच्छी लग जाती है, उसके दिल में उतर जाती है, उसके मन को भा जाती है, तो वो बार बार उसी के पास जाता है, भले ही उसको थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा ही क्यों ना देना पड़े, हमेशा उसी के पास जाता रहता है, जिससे उनका एक लॉयल बॉन्ड बन जाता है, उनका एक रिश्ता एक अलग क्रिएट हो जाता है। यही तो मैं आपसे कहता हूँ कि आपको एक फर्स्ट टाइम शॉपर जो स्ट्रैटेजी है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो भी कोई व्यक्ति आपके पास पहली बार कुछ खरीदने आ रहा है, कुछ परचेज करने आ रहा है, आप उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दीजिए। जब आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे तो वो भी थोड़ा चार्ज हो जाएगा, थोड़ा मोटिवेटेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं पहली बार आया हूँ, मेरे को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वो दे तो रहे हैं। उसके बाद वो बार बार आपके पास आता रहेगा और आप तो जानते हैं आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी है, तो वो बार बार आपके पास आएगा। इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के बाद मेरे को बताइएगा जरूर कि आपको कैसी लगी। सबसे पहली चीज आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करिए और करवाइए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए, हमें कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर बताते रहिए कि ये वीडियोस आपको कैसी लग रही है।